चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे. क्वेश्चन नंबर फोर, एक्स्ट्रा लिमिटेड फर्निशेज यू विद द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च. पूरी बैलेंस शीट दी हुई है. कंपनी रिडीम्ड द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. यानी क्या? प्रेफरेंस शेयर्स 20 लाख के रिडीम कितने में किया? 22 लाख, 10% प्रीमियम. 2 लाख कहां से आएंगे? प्रीमियम में से. इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 30 पर शेयर. 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 30 पर शेयर. 3 लाख इक्विटी शेयर्स. हमारे पास जो इक्विटी शेयर्स है वो है 10 लाख. 10 लाख में से 3 लाख रुपीज परचेज कर लिए. देखो 25% के ऊपर चला गया. कमाल है, 25% के ऊपर चला गया. जनरली ऐसा होता नहीं है, मतलब आप इस तरह से खरीद तो नहीं सकते. तो अपन ने जनरली इसके ऐसा क्वेश्चन अगर बाय चांस एग्जाम में आ जाए तो हम लोगों ने नोट दे देना चाहिए कि मैक्सिमम परमिसेबल बाय बैक इज 25%, हेंस 3 लाख इज नॉट परमिटेड. 3 लाख इज नॉट परमिटेड. तो हम तो जो मैक्सिमम परमिसेबल है उसके हिसाब से ही अकाउंटिंग करेंगे. अभी हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो मैक्सिमम परमिसेबल के हिसाब से करेंगे. सर आईसीआई ने क्या किया है बताओ? आईसीआई ने पूरे के पूरे शेयर लिए हैं, पूरे के पूरे 3 लाख शेयर लिए. सर आईसीआई ऐसा कर रहा है तो फिर अपन ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा, एग्जाम में पहले तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह की गड़बड़े नहीं होती है, मोस्टली तो नहीं होती है. और अगर होती है तो फ्री के मार्क्स मिलते हैं. इंस्टीट्यूट पहले ही क्लियर कर देता है कि ये एरर था. अगर बाय चांस फिर भी कोई एरर दिख जाता है, आपको तो जो सही लगता है, जो सही चीज दी गई है, आप उसी तरीके से अकाउंटिंग करो. आप गलत अकाउंटिंग मत कर दो. तो यहां जब हम अकाउंटिंग करेंगे ना तो हम सही तरीके से ही अकाउंटिंग करेंगे, गलत अकाउंटिंग तो नहीं करेंगे. ठीक है, तो जितना परमिसेबल है अपन उतना ही करेंगे, क्योंकि 25% ही परमिसेबल है, अपन उतना ही पकड़ेंगे. पेमेंट फॉर द अबव वॉज मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस. इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स इन ओन डिबेंचर्स. इन्वेस्टमेंट्स इन ओन डिबेंचर्स कॉस्टिंग 2 लाख, फेस वैल्यू 2,20,000. यानी हमने हमारे खुद के डिबेंचर खरीद लिए. कितने के? 2 लाख में, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 2,20,000. 2,20,000. दीज इन्वेस्टमेंट्स वर कैंसल्ड. अब अपन इनको कैंसिल कर देना चाहते हैं. अपने बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स, इसमें अपने खुद के डिबेंचर इंक्लूडेड है. कितने के? अपन ने कितने में खरीदा उतने में इंक्लूडेड होंगे ना, फेस वैल्यू पे थोड़ी इंक्लूडेड होंगे. आप जब इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो कितने पे खरीदते हो उतने पे अकाउंट करते हो ना. तो आपने कॉस्टिंग 2 लाख 2 लाख रुपए में इंक्लूड करके रखे, जबकि ये डिबेंचर्स अपने डिबेंचर अकाउंट में 2.2 के पड़े हैं. तो सीधी बात है, इन्हें अपन कैंसिल कर देंगे. सर डिफरेंस आएगा तो कहाँ डालेंगे? डिफरेंस जो भी आएगा वो आपका रिजर्व में एडजस्ट हो जाएगा. मोस्टली हम कैपिटल रिजर्व बनाएंगे, मोस्टली इसका कैपिटल रिजर्व बनेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट टू द एम्प्लॉइज एट 20 पर शेयर एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 30. व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 30 ऑन 1 अप्रैल द एम्प्लॉइज एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर 50,000 शेयर्स. अब ये आपका एक अलग चैप्टर है, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शंस. मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे देता हूँ अभी, क्योंकि अकाउंटिंग यहाँ पे आ गई है. इसकी मेजर अकाउंटिंग हम एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शंस के अंदर में ही देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं. ये चैप्टर आपको ये बोलता है कि अगर आप कभी भी अपने एम्प्लॉइज को कोई शेयर दे रहे हो और सस्ते में दे रहे हो, अपने खुद के शेयर सस्ते में दे रहे हो, जैसे बाजार भाव इस क्वेश्चन में दिया है कि 30 का चल रहा है, हमने 20 में शेयर दे दिए. जिस दिन दिया ऑफर उस दिन की बात हो रही है. जिस दिन ऑफर दिया उस दिन बाजार भाव कितना चल रहा था? 30. क्वेश्चन में बताया गया है 30, पर हमने शेयर कितने में दिया? 20. तो ये जो 10 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया ना, 10 रुपए का डिस्काउंट, आप इसे अपनी लायबिलिटी मान लें. आप इसे अपनी लायबिलिटी मान लें. सर क्यों मान लें? क्योंकि ये एक प्रकार से आपका खर्चा ही है. एम्प्लॉय को सस्ते में क्यों दिया? एम्प्लॉय को सस्ते में दिया क्योंकि उसका हम एम्प्लॉय से सर्विस ले रहे हैं. सर्विस के बदले में तो आप सैलरी देते हो, सैलरी के बदले में आपने सस्ते में शेयर दे दिए. सस्ते में शेयर दे दिए, जितना सस्ता किया वो आपके लिए तो आपकी लायबिलिटी हुई. तो आपने उसे अपनी लायबिलिटी के अंदर डाला होगा. पॉइंट क्लियर है यहां तक कि आपने उसे कहां डाला होगा? अपनी लायबिलिटी के अंदर डाला होगा. तो 20 रुपए में आपने 30 रुपए का शेयर दे दिया. पॉइंट क्लियर है यहां तक के? ऑन 1 अप्रैल इसमें से 50,000 शेयर्स एक्सरसाइज हुए हैं. तो जितने एक्सरसाइज हुए, जितने भी शेयर्स एक्सरसाइज होंगे, उतने में हर शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल 6 प्रीमियम बुक होगा. शेयर कैपिटल 6 प्रीमियम बुक होगा. तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री पे आएंगे तब हम इसकी बात करेंगे. पहले हम बाकी सारी एंट्रीज क्लोज कर लेते हैं, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे. पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम. तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या बायबैक किया है? सबसे पहले तो हमने ये शेयर प्रीमियम को रिडीम कर दिया. कितने पे? 10% पे, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर्स को. कितने के? 20 लाख रुपए के. तो अब मैं क्या एंट्री लिखूं?
मैं लिखूंगा 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 20 लाख, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट, शेयर प्रीमियम डेबिट। क्या हमारे पास शेयर प्रीमियम है? तो हमारे पास में रेवेन्यू सिक्योरिटी प्रीमियम है 60 का, बैंक 22। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। फिर हम आ जाते हैं इक्विटी पे। इक्विटी, अभी इक्विटी के लिए हम लोगों के पास तीन तरह की लिमिट्स रहती है, तीन तरह की लिमिट्स। तीसरी लिमिट में भी मोस्टली हम बढ़े आएंगे क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा रिजर्व पड़ा है, अच्छा खासा रिजर्व है। तो हम जितना भी 30 का हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम लोग मोस्टली अवेलेबल हो जाएगा हमें। फिर भी हम इसके बारे में पूरा नोट लिख लेंगे। शेयर्स टेस्ट, आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपको दिए गए हैं आपके 10 लाख, परमिसिबल है 2.5 लाख। एक्चुअल आप बायबैक कितना करना चाहते हैं? क्वेश्चन बता रहा है कि आप 3 लाख बायबैक करना चाह रहे हैं, हम आपको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, रेस्ट्रिक्टेड टू 2.5 लाख। इससे ज्यादा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इससे ज्यादा आपको करना है, आप गवर्नमेंट से परमिशन लेके आइए। दूसरा वाला, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो अपना जो शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख, सॉरी 100 लाख। फिर हमारे पास जो रिजर्व है उसमें कैपिटल रिजर्व, फ्री रिजर्व नहीं है, रेवेन्यू और सिक्योरिटी ले लेंगे 50 और 60। इसमें से 2 यूटिलाइज हो गए तो 2 कम कर देते हैं, टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व। परमिसिबल है 212 का 25%, 53। एक्चुअल जो आप करना चाहते हैं वैसे तो वो 3 लाख है, वैसे तो वो 3 लाख शेयर्स है, थर्टी ईच पे यानी 90। ये आ गई अपने को दूसरी दिक्कत कि हम दूसरी टेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरी वाली टेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। हमारे पास इतने रिजर्व्स भी अवेलेबल नहीं हैं जितने पे हम बायबैक करना चाहते हैं। ठीक है, फिफ्टी टू है ये, 52। तो रेस्ट्रिक्ट अब कितने पे करना है अपने को? रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 30। आप मैक्सिमम 52 कर सकते हैं ना, 52 लाख, और एक शेयर आप 30 रुपए पे बायबैक कर रहे हैं, बराबर है? हमारा जो बायबैक प्राइस है वो है 30 का, तो यहां भी हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, विच टर्न्स आउट टू बी 1,73,333 शेयर्स। इसके ऊपर हम नहीं कर सकते, 1,73,333 शेयर्स, इससे ज्यादा बायबैक इज नॉट परमिटेड। थर्ड सिनेरियो, डेट इज 4 लाख, यानी इक्विटी जो मेंटेन करनी पड़ेगी वो हो जाएगी 2 लाख। हम तो इक्विटी बहुत ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं इससे, इसके कंपैरिजन में हम जो इक्विटी मेंटेन कर रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा है, तो हमको कोई टेंशन इसमें भी लेने की जरूरत नहीं है। तो तीसरी कंडीशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर पहली और दूसरी कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हम लोग अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 1,73,333 पे। ठीक है, चलिए, तो इक्विटी बायबैक करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम
173,333 multiplied by 10. Excuse me. Excuse me. ₹51,99,990. Equity shareholders debit to bank. 51,99,990. ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास यूज सरप्लस कैश है 142 तक के हमारे करंट एसेट्स है, तो अच्छे खासे करंट एसेट्स हैं, हमें उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोगों को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है नॉमिनल वैल्यू का। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर में एक तो आ जाएगा हम लोगों का प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू 20, प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू 20 प्लस 17,33,330 यानी 37,33,330। हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व अवेलेबल है 50 के, तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स को टू द एक्सटेंट 37,33,330। ध्यान रखिए आंसर जो आपकी बुक में दिया उससे मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि लिमिट सेटिस्फाई नहीं हो रही इसीलिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक के हो गया, सीआरआर तक हमने बना दिया, पॉइंट नंबर वन यूज कर लिया, पॉइंट नंबर टू यूज कर लिया, पॉइंट नंबर थ्री पे आ जाइए कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स में डिबेंचर्स है जो हमने 2 लाख में खरीदे थे और अब हम इसे कैंसिल कर रहे हैं, तो अब हम इन्वेस्टमेंट्स कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट करोगे ना, और डिबेंचर्स को कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स को डेबिट करेंगे। डिफरेंस क्या होगा? मैंने आपको कहा था कैपिटल रिजर्व, ये फ्री रिजर्व नहीं है, खुद ही इन्वेस्टमेंट्स खरीद के मुनाफा नहीं कमा सकते, डिबेंचर्स सस्ते में खरीद के मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। क्लियर है? चलिए लास्ट पॉइंट पे आ जाइए, डिबेंचर्स 1 लाख, सॉरी स्टॉक ऑप्शंस 1 लाख रुपए के, जो हमने 20 के 30 में सामने वाले को ऑप्शन दिए थे। अब आप समझिए क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्ट जब हमने ये ऑप्शन एम्प्लॉइज को दिया होगा, देखिए ये आपके अलग चैप्टर में कवर्ड है फिर भी मैं समझा रहा हूं, जब ये एम्प्लॉइज को हमने ऑप्शन दिया होगा तब हमने क्या एंट्री पास की होगी? हमने पी एंड एल डेबिट किया होगा टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। क्या बोलेंगे? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, शेयर का फेयर वैल्यू और शेयर का एक्सरसाइज प्राइस। एम्प्लॉई को हमने जितने में खरीदने बोला है और उस समय बाजार भाव क्या चल रहा था, यानी हमने उसे कितने का डिस्काउंट दिया, हमने उसे कितने का डिस्काउंट दिया और कितने शेयर्स पे दिया। अगर ये पूरा मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए आपने पीएनएल में डेबिट कर दिए होंगे इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉई सर्विस रिसीव्ड। अरे सोच के देखो, एम्प्लॉई से सर्विस लेते हो तो कैश देते हो ना, यहाँ पे कैश नहीं देके क्या किया? एम्प्लॉई को बोला एक काम कर, तू हमसे सस्ते में हमारे शेयर्स खरीद ले, बाद में बाजार में बेच देना, देख तेरे को तेरी सैलरी मिल जाएगी। उसने भी बोला हाँ यार आइडिया तो अच्छा है, ठीक है मैं ले लेता हूँ। यानी आपने उसे 30 का शेयर 20 में दिया, तो 10 रुपए क्या आपका खर्चा नहीं है? खर्चा तो है, तो इसीलिए वो बोलता है पीएनएल को डेबिट कर दो। पर ये पीएनएल में डेबिट होता है ओवर द सर्विस पीरियड। आप उसको बोलते हो ना भाई तेरे को कम से कम इतने साल काम करना पड़ेगा तो देंगे, ऐसा थोड़ी कि दे दिया जा रख और वो अगले दिन नौकरी छोड़ के भाग गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अपन ऐसा नहीं करते, अपन उसको बोलते हैं देख तेरे को इतने साल काम करना पड़ेगा तो देंगे, तो उतने सालों में ये पीएनएल में डेबिट होता है। अभी इस क्वेश्चन में तो कुछ पता नहीं है, तो आप ये समझ लो कि हमने पीएनएल में डेबिट कर दिया, और ये जो ईसॉप पड़ा है ये आपकी करंट लाइबिलिटीज के अंदर में पड़ा होगा, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज में 10 लाख पड़े होंगे। अब क्या हुआ? अब हमारा एम्प्लॉई 50,000 शेयर एक्सरसाइज करने आ गया। सर बचे हुए 50,000 का क्या? अरे अभी नहीं आया, और क्वेश्चन ने बोला भी नहीं कि एक्सपायर हुआ। आप वो 50,000 का टेंशन मत लो, वो जो 50,000 खरीदने आए हैं आप उसका टेंशन लो ना, जो मांगा है वो तो सोच नहीं रहे,
जो नहीं मांगा उसके पीछे पकड़ रहे हो, घूम रहे हो। अरे ये समझो कि जो 50,000 शेयर्स वो इशू, वो जो लेने के लिए आया है, वो 50,000 शेयर्स की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, हमको वो समझना है। तो देखो, अब वो आपको जब 50,000 शेयर एक्सरसाइज करेगा तो पैसे देगा। सर वो पैसे क्यों देगा? अरे उसको हम लोग 30 का शेयर 20 में दे रहे थे, तो 20 तो उसको देने पड़ेंगे ना। अब वो समय आ गया कि उसको 20 रुपये देने हैं, 50,000 शेयर्स पे देने हैं 10 लाख रुपए, टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। शेयर हम जो 50,000 के देंगे उसकी फेस वैल्यू तो 10 है, यानी 5 लाख। समझ में आया क्या? और जो शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम उसमें क्या जाएगा, 50,000 × 20। सर उसने तो अपने को 20 ही रुपए दिए, पर मैं तो आपको बोल रहा हूं आप उसकी अकाउंटिंग शेयर की 30 रुपए भी करोगे। अरे 10 रुपए की तो उसने सर्विस दे दिया, जो 10 की उसने सर्विस दिया उसको आपने कहाँ डाला? ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डाला ना आपने, ईसॉप आउटस्टैंडिंग में वहां पड़ा है वो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, वो ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर पड़ा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हम लोग 30 रुपए में ही शेयर की अकाउंटिंग करेंगे, 10 रुपए शेयर कैपिटल, बाकी पूरा शेयर प्रीमियम। तो ये हो जाएगा 10 लाख। जो डिफरेंस है वो जो ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट था ना उसी में तो पड़ा है, देख लो। ईसॉप आउटस्टैंडिंग के अंदर में 10 लाख पड़े हैं, कितने शेयर्स के? 1 लाख शेयर के। आधे शेयर्स के कितने होंगे? 5 लाख। तो 5 लाख रुपए हम लोगों ने ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट से लाना है। ये ईसॉप अकाउंट आउटस्टैंडिंग डेबिट होगा, ये कहाँ जाएगा? शेयर प्रीमियम में। कब जाएगा? जब वो एम्प्लॉई ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा। और सर उसने नहीं किया तो, यानी आप नहीं किया तो वाला ऑप्शन तो छोड़ोगे ही नहीं बेटा। अगर उसने एंड तक के नहीं किया तो हम उसको उठा के रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे ये मत पूछना, इस वो ये उस चैप्टर में पढ़िए, इस चैप्टर के अंदर हम उसको कवर नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर? तो यहां तक के कुछ इस तरीके से अकाउंटिंग होगी अगर हम लोगों को बात करना है रिलेटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट्स। ठीक है, चलो। तो उसने जो 50,000 शेयर्स की एंट्री मांगी थी वो जर्नल एंट्री कुछ इस प्रकार की आपके बुक्स के अंदर दिखेगी। ठीक है, चलिए। सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन हमारा जो एक्चुअल है उससे टैली नहीं होता, क्यों? क्योंकि मैंने शेयर्स थोड़े से अलग तरीके से लिए हैं। फाइनली मैं बैलेंस शीट बना लेता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल था हमारा 10 लाख, यानी 100 लाख्स। 100 में से 17,33,330 कम हो गया था, तो अब है 82,66,670। प्रेफरेंस तो पूरी तरह से जीरो हो गए हैं। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस पे आ जाता हूँ, जिसके अंदर कैपिटल रिजर्व वैसे तो 8 था, पर अगर आपको याद होगा कि डिबेंचर्स हमने सस्ते में बेचे थे तो 0.2 के हमारे डिबेंचर्स भी आ गए थे इसमें, 8.2। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं उसे, 37,33,330। ठीक है, शेयर प्रीमियम वैसे तो 60 लाख है, पर हमने हमारे प्रिफरेंस शेयर्स 2 लाख रुपए के प्रीमियम पे रिडीम किए थे, और अभी एम्प्लॉयज से हम लोगों को कुछ शेयर प्रीमियम आया था 10 लाख का, बराबर है। और हमने जो शेयर्स रिडीम किए थे उसके अंदर में हमने प्रीमियम कम किया था 3,466,660 से। चलिए देख लेते हैं। थर्टी थ्री लाख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री फोर्टी। फिर आ जाते हैं रेवेन्यू रिजर्व पे। 50 लाख का रेवेन्यू रिजर्व था, 50 लाख का रेवेन्यू रिजर्व, जिसमें से हमने CRR में 33,33,330 ट्रांसफर किया था, यानी 12,66,670 का रेवेन्यू रिजर्व पड़ा है। चलिए, डिबेंचर्स 2.2 से कम हो गए, यानी 1.8 के बचे। करंट लायबिलिटी 70, करंट लायबिलिटी हमारी
70 थी, 75 से कम हो गई थी जो हम लोगों ने एम्प्लॉई ईसॉप आउटस्टैंडिंग के बदले में शेयर्स लिए। चलिए फाइनली सब कुछ ऐड कर देते हैं। दो करोड़ 41 लाख रुपए आ रहा है। चलिए फिक्स एसेट्स है 50 के, इन्वेस्टमेंट्स 120 के थे जिसमें से दो कम हो गए यानी 118। करंट एसेट्स इनमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 142। सबसे पहले हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए थे, तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए हमने जो पैसा दिया था वो था 22। फिर इक्विटी के लिए पैसा दिया था 51 के हिसाब से। फिफ्टी वन नाइन्टी नाइन 990। फिर हमारे पास पैसा आया था 20 की 10 लाख रुपए, बराबर है। अच्छा ये 22 था, नहीं 52 नहीं 22। अच्छा हमारा इक्विटी भी 5 लाख रुपए से बढ़ गया था, वो एक थोड़ा सा रह गया जो हम लोगों ने शेयर्स इशू किए थे एम्प्लॉयज़ को, उतने से आपका इक्विटी भी तो बढ़ गया था, तो वो एक रह गया था। तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट टैली होती है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझा होगा कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या किस किस प्रकार की एंट्रीज की है। चलिए एंड में कुछ क्वेश्चंस है, अब वो वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, केजी लिमिटेड फर्निशेज यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। ऑन 1 अप्रैल द कंपनी अनाउंस अ बायबैक ऑफ 25% इक्विटी शेयर एट 15 पर शेयर। फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड द इन्वेस्टमेंट्स फॉर 75 लाख। ऑन 5 अप्रैल कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक। ऑन 30 अप्रैल कंपनी इशूड 1 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड पास द जर्नल एंट्रीज। हम बोनस इशू कर सकते हैं सेम क्लास ऑफ शेयर्स सेल के लिए इशू नहीं कर सकते, ठीक है, बोनस इज परमिटेड। तो चलिए हम लोगों ने क्या किया, 15 रुपए में एक एक शेयर को खरीदा है। कितना परसेंट शेयर, वो बोल रहा है 25% शेयर, तो 25% तो वैसे भी परमिसेबल है। 1200 का 25% हो गया हमारा 300, बराबर है। और रिजर्व्स भी हमारे पास अच्छे खासे अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लिमिट्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारी लिमिट्स के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहला है शेयर्स का आउटस्टैंडिंग है 1000, रिक्वायर्ड नहीं आउटस्टैंडिंग है 1200, रिक्वायर्ड परमिसेबल 300, एक्चुअल 300, ठीक है। दूसरा शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, तो 1200 का शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम 175, जनरल रिजर्व 265, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं ले सकते, पीएनएल ले सकते हैं 170 का।
1810, परमिसिबल की बात करें तो इसका 25%, 452.5, एक्चुअल हम 15 रुपए में करने वाले हैं, 120, 30, 30 कर देता हूँ, एक एक जीरो फिगर्स नंबर्स में रखने के लिए. सो दिस इज 450 विच इज ऑल्सो विद इन लिमिट. तीसरा है हमारा डेट विच इज 750. परमिसिबल इक्विटी 375, हमारी इक्विटी है 1810, यानी फिलहाल तो अच्छी खासी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप जो कम कर रहे हो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है कंपेयर टू 1810, आपसे 450 कम कर रहे हो ना, तो वो अच्छा खासा ऊपर ही रहेगा. तो अपन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अपने को बायबैक करना अलाउड है, तो बायबैक करेंगे तो अपनी क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर 300, 150. हमारे पास क्या शेयर प्रीमियम 150 तक का अवेलेबल है? शेयर प्रीमियम इज 175, तो अच्छा खासा अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलो 450 इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक 450. अच्छा, हमने इन्वेस्टमेंट्स भी बेचे थे, वो एंट्री मेरी रह गई. 75 लाख में अपन ने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, सारे इन्वेस्टमेंट 75 में बेच दिए. अपने पास इन्वेस्टमेंट्स है 74 के, बैंक 75, टू इन्वेस्टमेंट्स 74, टू P&L 1 लाख, 1 लाख रुपए का हम लोगों को इसमें मुनाफा हो गया. ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हम लोगों ने बोनस इशू किया. कितना बोनस इशू किया? 4 शेयर के बदले 1 शेयर, यानी क्या, हमारा 1200 का कैपिटल था, 300 कम होने के बाद में वो 900 रह गया था, 900. तो बोनस इशू कितना हुआ? बोनस जो हमने इशू किया वो हो गया 900 हर 4 के बदले 1 शेयर, हर 4 के बदले 1 शेयर, यानी कितना, 225 शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं, 225 शेयर्स बराबर है यहाँ तक के. तो ये एंट्री कैसे होगी, जैसे कि हमारे पास जनरल रिजर्व ही पूरा 225 का अवेलेबल है, तो मैं जनरल रिजर्व ही ले लूंगा, या रादर सीआरआर ले लूंगा. पहले सीआरआर की एंट्री पास कर लेता हूँ, क्योंकि सीआरआर इसी पर्पस के लिए यूज होता है. तो सीआरआर है हमारा 300, सीआरआर है हमारा 300, जनरल रिजर्व डेबिट. तो जनरल रिजर्व है मेरे पास 265 का, मुझे और 35 चाहिए, ये मैं P&L से ले लूंगा, 2 CRR, और फिर CRR डेबिट टू इक्विटी 225 का हम लोग बोनस इशू लेके आए हैं, तो 225 डाल देंगे. ठीक है, टोटल इतनी जर्नल एंट्रीज होगी और फिर आ जाएगी अपनी बैलेंस शीट. चलिए एक एक करके बैलेंस शीट बनाते हैं. हमारा जो इक्विटी है वो है 1200, 1200 में से 300 बायबैक हो गया और 225 का बोनस आ गया. तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, बोनस इज परमिटेड, 6 महीने की लिमिट बोनस के लिए नहीं देखी जाएगी, और बोनस सीआरआर में से निकाला जा सकता है. ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि सीआरआर किस चीज के लिए यूज हो सकता है, बोनस के लिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली इक्विटी को ही बढ़ाएगा, इक्विटी को ही मेंटेन करेगा. तो इक्विटी में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डिविडेंड वगैरह के लिए आप उसे यूज नहीं कर सकते. ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, सबसे पहला उसमें शेयर प्रीमियम 175, जिसमें से हमने 150 यूज कर लिया, यानी 25. फिर है जनरल रिजर्व 265, तो वो तो निल हो गया था, तो वो हमें देखने की जरूरत नहीं है. 200 का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, और 225 हम लोग लेके आए थे, नहीं हम और 300 लेके आए थे, जिसमें से बोनस के लिए हमने 225 यूटिलाइज कर लिया, तो 275. P&L है हमारे पास 170, हमें मुनाफा हुआ था एक का इन्वेस्टमेंट्स बेचने में, वो ले लेंगे, और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए 35 हमने ट्रांसफर किए थे जो हमको कम पड़े थे, तो
तो बच गया 136। डिबेंचर्स पे आ जाते हैं, डिबेंचर्स है हमारे 750 और करंट लाइबिलिटीज आखिरी के दोनों 745 और 195, 940, सब कुछ ऐड कर देते हैं। थ्री टू फाइव वन। चलिए एसेट्स पे आ जाते हैं, मशीन और फर्नीचर मिला के फिक्स एसेट्स हो जाएंगे 2026। इन्वेस्टमेंट्स हमने सारे ही बेच दिए थे तो वो लेने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री 600, ट्रेड रिसीवेबल 260, कैश अकाउंट में हमारे पास है 740। इसमें और 75 आ गए थे जब हमने इन्वेस्टमेंट्स बेचे थे और 450 से कम हो गया था बायबैक के बाद। 365। थ्री टू फाइव वन। तो फाइनली इस तरह से ये बैलेंस शीट एंड होगी। इस क्वेश्चन के अंदर में नया क्या था? बोनस इशू। बाकी हम लोगों ने आज से कुछ नया नहीं पढ़ा, सब कुछ जो हम लोगों ने पहले देखा वही है। इसके अलावा, बोनस इशू के अलावा और कुछ भी नया नहीं था। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है प्रोविजंस ऑफ बायबैक से रिलेटेड, तो वो तो हम लोगों को वैसे भी बाद में कैलकुलेट करना है। सो विद दिस हम लोग ये वीडियो एंड कर लेते हैं, ताकि अगले वीडियो में हम वो जो तीन टेस्ट बात कर रहे हैं वो तीन टेस्ट के बेसिस में मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक के क्वेश्चंस देख सकें। ठीक है, ये वाला वीडियो यहाँ पे एंड कर देते हैं। चलिए, थैंक यू।